दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपको ऐसे सॉफ्ट फूड के बारे में बताएंगे जो बिल्कुल फ्री में आप अपने बजरी तोतों को दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट फूड है दोस्तों, और बिल्कुल फ्री में हम अपने बर्ड को खिला सकते हैं। इसे कोई पैसे हमें इसके नहीं देने होते हैं। बहुत ही आसानी से ये मिल भी जाता है दोस्तों, और बहुत ही शौक से हमारे बजरी तोते इसको खाते हैं और उसके साथ खेलते भी है। और हमारे बर्ड जो है इसका जो फीड है अपने चिक्स को भी कराते हैं, और काफ़ी हेल्दी हमारे बर्ड इसको खाकर रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ इसको किस तरह से हमारे बजरी तोते इसके साथ खेलते हैं और उसको खाते हैं और बताते हैं इसके बारे में आपको डिटेल में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखो दोस्तों, कितने खुश हमारे बजरी तोते लग रहे हैं और काफ़ी मस्ती जो है ये कर रही है, इधर उधर कर रही है इसको, और बार बार जो है टोकरी के अंदर आ रही है और फिर से दोस्तों इसके साथ मस्ती कर रही है। बहुत शौक से मेरे बजरी तोते इसको खाते भी है, और काफ़ी जो है हेल्थ मेरे बजरी तोतों की अच्छी रहती है। तो इस तरह से दोस्तों देखें आप कितनी मस्ती जो है मेरे बजरी तोते करते हैं। मेरे बजरी तोतों को जो है इंतज़ार रहता है कि जल्दी से बस ये खाने के लिए मिल जाए। तो इस तरह से ग्रीन फूड वैसे हमारे बजरी तोतों का जो है फेवरेट फूड भी होता है, तो ग्रीन फूड के साथ खेलने भी लगते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप मैं बजरी तोतों को ये खिलाता हूँ, और काफ़ी शौक से मेरे बजरी तोते इसको खाते हैं, कोई प्रॉब्लम मेरे बजरी तोतों को नहीं होती है। इसको खाकर जो है मेरे बजरी तोते काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, और मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर जो है अपने बजरी तोतों को खिलाता हूँ। तो जानते हैं दोस्तों इसके बारे में, इसका नाम क्या है। तो इसको दोस्तों हम दूब घास बोलते हैं। तो मैं आपको फ़ोटो पे भी दिखा देता हूँ कि किस तरह का ये होता है, तो इसको जो है पहचानने में आपको आसानी हो जाएगी। तो ये देखें दोस्तों, कुछ इस तरह का ये होता है, इसको दूब घास के नाम से जानते हैं या दूरवा घास के नाम से भी जानते हैं। तो आपके यहाँ पर शायद दूसरा नाम इसका हो सकता है, तो हमारे यहाँ पर इसको दूब घास के नाम से या दूरवा घास के नाम से जानते हैं। तो इस तरह का जो देखें आप ये होता है, तो इसको उखाड़ते हैं और आज इसको अपने बजरी तोतों को खिलाते हैं। तो काफ़ी शौक से मेरे बजरी तोते इसको खाते हैं। बात करते हैं तो इसे खिलाना किस तरह से है। तो जब आप अपने बर्ड के लिए इसको दूब घास को लेकर आए, तो इसको अच्छे से पानी में धो लेना है, जिससे कि इसके अंदर लगी मिट्टी वगैरह निकल जाए, हमारे बर्ड को कोई खाने में प्रॉब्लम ना हो। और अच्छे से जब ये मिट्टी वगैरह निकल जाए तो इसको साफ़ कर लेना। और उसके बाद देखें आप, इस तरह से मैं अपने बजरी तोतों को खिलाता हूँ, तो आप भी इस तरीके से कटिंग कर अपने बजरी तोतों को इसे खिला सकते हैं। तो मैं जो है कैंची की सहायता से इसको काट लेता हूँ, जिससे कि ये छोटा छोटा थोड़ा हो जाता है, और इस तरह से मैं अपने बर्ड को जो है खाने के लिए इसे दे देता हूँ। और बर्ड देखो किस तरीके से कितने शौक से मेरे इसको खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है दोस्तों। इसके अंदर भी कैल्शियम वगैरह होता है, तो काफ़ी जो है अच्छे से हमारे बर्ड की ये मदद भी करता है, हेल्प करता है, जिससे कि हमारे बर्ड जो है हेल्दी रह सके। और हफ्ते में एक बार ज़रूर मैं अपने बर्ड को इसे खिलाता हूँ दोस्तों, और बिल्कुल फ्री में ये हम अपने बर्ड को देते हैं, कोई पैसा वगैरह भी हमारा नहीं लगता है। तो ये मिलता आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगा दोस्तों, घर के बाहर या छत के ऊपर भी ये आ जाता है। तो इसको जो है आपको लेकर आ जाना है, और उसके बाद जो है इसे अपने बर्ड को खाने के लिए देना है। तो दोस्तों बहुत ही बेस्ट सॉफ्ट फूड है, और मैं इसका इस्तेमाल कराता हूँ, और उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक बार देखें आप दोस्तों, दूब घास ज़रूर खिलाकर देखें अपने बजरी तोतों को, काफ़ी खुश आपके बजरी तोते हो जाएंगे और काफ़ी हेल्दी आपके बजरी तोते हो जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद भी आया होगा, और वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह की अच्छे अच्छे वीडियो चैनल पर देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही दोस्तों ऑल के बटन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आप इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो चैनल पर देख सके सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे एक नई वीडियो में।